तो गाइस गाइस बहुत 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 बड़ा नुकसान हो गया था। तो ये बैठे हैं ऋषिकेश के बस स्टैंड पे, यहाँ से शिवपुरी की बस देखनी है और अर्श भाई, अबू भाई, अनस भाई, शाकिब भाई गए हैं फ्रेश होने और हमें यहाँ से जाना है शिवपुरी। वहाँ पे अपनी कैंपिंग है और फुल फन आएगा वहाँ पे। मतलब वेश भाई एक्साइटेड हो पूरे? क्या सिस्टम आएगा? मजा पूरा मजा आएगा। अच्छा, सफर क्या सर आपका ट्रेन में? सफर बहुत बढ़िया रहा, ट्रेन में मजा आ गया एकदम। तो और एक बार आप पीछे का व्यू चेक करो, सामने जो मेरे व्यू है वो चेक करो, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। मतलब मन लग रहा है बैठ के, यहाँ पे बस स्टैंड पे बैठे हैं और नज़ारा देखो। ऋषिकेश उतरते ही सबसे पहली फरमाइश थी इन भाई की, कहाँ गए यार, के फ्रेश होना। वो तो हो लिए और अब पहुँच चुके हैं नाश्ते की स्टॉल पे और ये लाइन अप है इनका। और अब करते हैं हम नाश्ता, पनीर पराठे, आलू पराठे, मिक्स पराठे, पता नहीं क्या क्या कर दिया। चलो और अब मिलते हैं आपको पराठों के साथ। तैयार हो? तैयार है। सुन ये बस में बैठ चुके हैं और शिवपुरी से ले लिया टिकट 315 रुपये। और यार भाई बिल्कुल सुन बैठे टिकट सुन गए 315 रुपये। हाँ भाई, और हम चलते हैं शिवपुरी की और ये हम बस में बैठ चुके हैं, आज बस से नज़ारा लेंगे। और ये आप बाहर का व्यू देखियो ज़बरदस्त। और ऋषिकेश की मार्केट से गुजरते हुए, ये ऋषिकेश की मार्केट से गुजरते हुए छोटी छोटी सी गलियाँ हैं आप देख सकते हो, और हम जा रहे हैं शिवपुरी की ओर। और यहाँ पे सभी भाइयों की हालत ख़राब है, सबसे पहले इनकी, फिर इन भाई की, और इन भाई की तो ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, वॉमिटिंग का बना है। ये भाई बैठे हैं स्वैग में लेकिन उल्टी करने वाले हैं। और वो सबसे अलग बैठा, और ये हमारे साथ नहीं आया लड़का बैठा जो आलू के पराठे, पनीर के पराठे, प्याज के पराठे सारे निकाल दिए। एक और जा रहा देख, ये था वेज, ये था वेज पराठा, ये था वेज, ये क्या पनीर पराठा निकलेगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सो गाइस शिवपुरी पहुंच चुके हैं एक बहुत ही लंबे और अरसे सफर के बाद। मतलब बहुत बढ़िया भी रहा और घटिया भी रहा, सब ने अपनी अपनी रिफ्रेशमेंट ले ली है, जूस वगैरह जिनको उल्टियों का मूड हो रहा था। और व्यू देखो कितना ही ज़बरदस्त है यहाँ पे, और हम जा रहे हैं एकदम मज़ा करते हुए, फन करते हुए, क्योंकि बहुत से भाइयों का मूड ख़राब हो गया उल्टी का। उसमें तू भी है? हाँ, अरे हम तो एकदम सेट थे, कहना नस भाई का, आपने तो पहली बॉल पर छक्का मार दिया, हमने उल्टी करी और सेट, उसके बाद हमारा कुछ नहीं हुआ, हम ओके हैं, ओके रिपोर्ट है। बाकी अमजद भाई की हालत बुरी है और आप व्यू चेक कर सकते हो, बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, फन होने वाला है, हम हो सकता है ट्रैकिंग भी करें और बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ भैया मज़ा आएगा ना? बिल्कुल। बस अभी हम आपको मिलते हैं अपने कैंप लोकेशन पे जाके, देखते हैं कैंप कैसा है अपना। सो हमारी कैंप वाले से बात हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि 1.5 किलोमीटर का ये पैदल का ट्रैक है, सामने आप जो देख रहे हो इस पे हमको चलना है पैदल के ट्रैक पे, और 1.5 किलोमीटर बाद हमारे कैंप की लोकेशन है जो कि हम जाके देखते हैं। और ये साड़ा ऑफ रोड है और सब भाई अपना अलग अलग मस्ती में झूमते हुए, सब भाई थके हुए हैं, जाके सोच रहे हैं रेस्ट करेंगे, बट देखते हैं जाके वहाँ पे क्या होगा, रेस्ट करेंगे। और आप लोकेशन देख सकते हो कितने बड़े बड़े पहाड़, सब भाई थक चुके हैं, हालत देख लो इनकी, कपड़े निकल गए हैं इनके, और वो नाक में से चूहे निकाल रहे हैं अपने, दिखे यहीं से पेट्रोल निकाल लेंगे आज। और ये देखो फिरोज भाई, और इन भाइयों ने कर रखा था कैंप बुक, शक्ल देख लो इनकी, अब तक कैंप नहीं मिला हमें, कहाँ है। ये देख, अब हम कच्चे रास्ते पे भटकते हुए चल रहे थे मौज करते हुए, तो मैंने सोचा एक बार ये आपको कैमरा घुमा देता हूँ 360, और देखना क्या ही ज़बरदस्त लोकेशन है और हमारे साथी कितनी दूर है। बट मैं उनसे बहुत आगे आ चुका हूँ, और मेरे साथ अमजद भाई और रुबेश भाई और मैं और फिरोज़ भाई हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्यों फिरोज़ भाई आ रहा है? नहीं बस रास्ते में जाती हुई एक छोटी सी रिवर,
तो और आप ये देखो मतलब हमारी अचानक नजर गई, अचानक नजर गई, मतलब मजा आया। ये देखो आप उसे देखने के चक्कर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे लैंडस्लाइड हुई हो अभी। ये कितनी अच्छी साउंड और ये सब भाई थके आ रहे हैं और फाइनली हमें हमारे कैंप दिख गए हैं। वो रहे सामने, मैं जूम करता हूँ कैमरे को। चलो वो रहे, बताएंगे। चलो चलते हैं। कुछ लोगों ने पीछे से ही गालियां दे और मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। इसको बोलते हैं नजारा। और ये अमजद भाई डराते हुए कि 3 किलोमीटर और रह गया जबकि हम 2 किलोमीटर चल चुके हैं। और इसको ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे दोस्त तो नजारा आ ही जाता है, समा बन ही जाता है और मजा आ ही जाता है जब ये सब चीजें हो, नेचर हो, वाटर हो और ये प्यारे प्यारे दोस्त हो तो मजा आ जाता है। तो कैंप पहुंच चुके हैं अपने, अरे चढ़ाई चढ़ी और ये अपने अनस भाई और वो इतनी दूर अर्श भाई, बाकी फिरोज भाई तो अभी यहाँ पहुँचे तक नहीं। और हम फाइनली ये कैंप सामने पहुँचने वाले हैं और ये गेट आ चुका है कैंप का और हम करते हैं अब एंट्री और देखते हैं अंदर जाके क्या कुछ होने वाला है और मज़ा तो आने वाला है ऑब्वियसली। तो चलो मिलते हैं आपसे। अनस भाई की आई आई की आवाज़ें आ रही हैं मुझे, वो आ रहे हैं और हम कैंप में पहुंच चुके हैं। अबू भाई एंट्री कर रहे हैं। और सारे भाई बाकी कहाँ रह गए? और ये अर्श भाई कैसा लगा इतनी दूर आके? भाई मरने वाली हालात हो गई कसम से। हैं? मरने वाली हालत। बाकी वो दोनों लेटना कहाँ है? लेटना नहीं यहाँ भी। मर गए। करोड़ सालों के बाद ये तीन मेंबर जो अपने आपको तुर्रम खास समझते थे, खास तौर पे ये कई करोड़ सालों बाद पहुंचे हैं यहाँ पे कैंप में। और हालांकि हम सब पहले ही पहुँच चुके थे, बाकी 3 करोड़ साल हो गए हम यहाँ बैठे हैं इनका वेट कर रहे हैं और ये अब पहुँचे हैं। खास तौर पे शक्ल देख लो इनकी, दो मारी इसने। लग रहा है जैसे कि ये मतलब यहाँ से ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये नीचे आ सकता है, मतलब लैंडस्लाइड हो सकती है। हम तो निकल गया इधर से, अब थोड़ी दूर ही रहते हैं इससे, दिखाऊंगा अगर कुछ होता है। बाकी वो आपको दिख रहा होगा मंकी बैठा है वहाँ पे, दिख रहा है? नहीं, ये देखो। हम जिस हिसाब से आए थे, मतलब इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि हम आए थे कि ठंड होगी, बट यहाँ चिलमिलाती हुई धूप हो रखी है। तो हमने आपको कैंप का तो वॉक अराउंड दिया नहीं, हम सीधे ही वहाँ से चेंज करके ये यहाँ पे नहाने आ गए क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, धूप हो रही है। और आपने देखा ही होगा कि पहले बहुत ज़्यादा चले हैं हम, बहुत ज़्यादा चले हैं तो सब थक गए थे, पसीना आ गया था, तो सोचा भाई चलो नहा लेते हैं। अब अपना चेंज करके हम अब यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे नहाएंगे, थोड़ा फ़न वगैरह करेंगे, फिर हम आपको बाद में कैंप का वॉक अराउंड देंगे, एक छोटा सा कैंप का टूर अपना। अच्छा कैंप है, बाकी फैसिलिटी हम आपको जिस हिसाब की हमें मिलेगी हम आपको बता देंगे, फिर उसके बाद हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और जो भी है बता देंगे कि नाम क्या है और क्या कुछ स्कीम है, सब चीज़ बता देंगे। फिलहाल हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे इंजॉय करेंगे झील पे। झील तो नहीं कह सकते, नदी है, रिवर। गए हैं अपने काम पे। क्या काम था? What the hell are you doing, Shakib? Shakib, what the hell are you doing, यार? पर गाइस यहाँ से व्यू देखो आप, क्या ही खूबसूरत व्यू है। ये अपने भाई वाटर क्रॉसिंग करते हुए छोटी सी और अपने पैरों से बहुत ही तकड़ा रिस्क लिया है शाकिब भाई ने। कुछ नहीं है, छोटा सा रिस्क, आ जाओ आ जाओ। ये आई है असली रिवर। और ये अबू भाई, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, जो मेरे भाई कह रहे हैं ना हमें राफ्टिंग करनी है, एक बार अंदर जाके देखो, मुश्किल से ना 5 मिनट रह के दिखा दो तुम मुझे पानी में, इतना चिल्ड पानी है ना, गर्मी भाग गई है एक मिनट में जो लग रही थी। चलो देखते हैं जाके क्या कुछ है। मैं टाइम लैप्स लगा देता हूँ, जानवर है पता नहीं, मैं टाइम लैप्स लगा देता हूँ, आप मतलब हम फन करते हैं, आप देखना उसमें टाइम लैप्स।
गाइस गाइस बहुत 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 बड़ा नुकसान हो गया था, बट ऊपर वाले के दुआ से, ऊपर वाले के कर्म से हमारा वो नुकसान बच चुका है। ये आईफोन 12 पानी के अंदर अर्श 22 से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बचा लिया ना, जुमे की बरकत से ये हमें फोन मिल गया। ये पानी में नीचे चला गया था, हमने कम से कम आधे घंटे ढूंढा बट मिला नहीं, और एक और ट्राई किया तो मिल गया है। और जकी भाई का बहुत बहुत शुक्र गुजार रहूंगा सारी उम्र के भाई ने हमारे ढूंढ के दिया। भाई 10 मिनट पानी में रहा है, और देखो रिकॉर्डिंग हुई है, 10 मिनट पानी में रहा फोन, 10 मिनट पानी में रहा है, और रिकॉर्डिंग देखते हैं हुई है। हाँ, हुई है भाई। रिकॉर्डिंग भैया गाइस ये देखो, आप देख हम आपको दिखा देंगे, अगर मौका लगा तो हम इसे घेर भी देंगे ब्लॉग में, मतलब बड़ा नुकसान होने से बच गया। फील था ना, इतना फील था, बहुत ज्यादा। अरे यहाँ सारों का फील हो रहा था यार, सबको फील हो रहा था मेरे भाई। गाइस इसकी खास बात कि पानी में वीडियो चल रही थी, और टोटल 10 मिनट की वीडियो बनी है। वैसे हम डाल तो नहीं सकते उसे, फिर भी थोड़ी बहुत ही डाल लेंगे, कोशिश करेंगे ब्लॉग में। बाकी मतलब ऊपर वाले का बहुत बड़ा एहसान और रहम और करम हुआ कि मतलब आज का ट्रिप हमारा बस ये लगा लो खराब ही हो चुका था, बट आज बस उस रब का शुक्र भी अदा नहीं होता, मिल गया हमारा फोन। जब फोन मिला तो कैसा लगा? अरे मजा आ गया, क्या खुशी थी अर्श भाई, जब फोन मिला तो क्या खुशी थी भाई? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी भाई, जकी भाई का शुक्र गुजार रहूंगा सारी उम्र। अरे भाई बहुत महंगा, वो तो ऊपर वाले के उससे है भाई, शुक्र गुजार है जुमे के दिन के, आज बरकत से मिली है। चलो कि गाइस मैं यही कहना चाहूंगा इस चीज से कि कभी भी ऐसे मतलब पानी में फोन लेके जब तेज बहाव, मतलब ये चीज होती है स्विमिंग पूल वगैरह में, अपना स्विमिंग पूल में तो कर लो, बट ये इतना तेज बहाव है और इसमें पानी लेके जाना बेवकूफी है, मैं यही आपको सलाह दूंगा। बाकी कोई नहीं, दोपहर का कुछ खाना, बाकी चावल के साथ सूखी सब्जी, जश नहीं रही बात अबू भाई। अरे मैं तो पी जूंगा भाई, ने तैयार कर ली अपनी थाली बड़ी जबरदस्त, प्यारा कुछ नहीं। ये सब भाई अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं, और वो एज अ प्रोफेशनल मिस्टर शाकिब, मिस्टर लिजैन और मिस्टर उवेश अलग बैठे हैं हमारे से, और हम सब भाई एक साथ बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं फूड को। लिजैन सर तो बस क्या बोले, लगा खाना बढ़िया भाई, बढ़िया। अमजद भाई कैसा था खाना? एक नंबर। तारिक भाई? एक नंबर भाई, इतना अच्छा लगा कि अब तक खा रहा हूं, तब खाता रहूंगा। फिरोज भाई बढ़िया खाना भाई। लिजैन सर कहां हो? वो देखो जो कह रहे थे खाना ठीक ठीक है। हां भाई जी कैसा है खाना? और अब गाइस अपनी वजू हो चुकी है, और अब हम जाएंगे नमाज पढ़ने। गाइस ठंड हो चुकी है फुल, और टॉप ओढ़ लिया, वैसे हाफ बाजू में हूं, अरे मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि वो टोपी नहीं आया तो टोपा ओढ़ के पढ़ेंगे नमाज, और अब चलते हैं हम नमाज पढ़ने। तारिक भाई अपनी जमात कराएंगे क्योंकि वो हाफिज हैं, और चलते हैं हम नीचे ही करेंगे। एक्चुअली कैंप में जगह नहीं है, कम जगह है, तो जने हम नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो रहे हैं, चलते हैं नीचे। तो चलो भाई, चलो भाई, चलो यार नमाज के लिए चलो, चलो चलो फिरोज भाई, और हाल आर यू डूइंग यार, कैसे बातें कर रहे हो? चलो चलो तो गाइस आज का खाना अंकल जी ने बनाया था, और खा के मजा आ गया, एक नंबर खाना था। अंकल जी को एडवांस जमा करा दिया आपको पैसे, अरे खाने पे रख दो ना। अच्छा ये किसके थे वो जो पहले हमने दिए हैं? अच्छा